विद्यार्थियों नमस्कार। अभी मैं आपको प्लस टू क्लास का चैप्टर जो मैट्रिक्स है वो करवा रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, ए दे दिया है, बी दे दिया है मैट्रिक्स, उसके अंदर टू ए प्लस थ्री एक्स इजिकल टू फाइव भी है, तो एक्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव बी माइनस टू ए, तो इसके बाद थ्री उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इजिकल टू वन बाय थ्री। और अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5b, यानी 5b क्या हुआ, 5b एक मैट्रिक्स है, b जो मैट्रिक्स है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 20, 25, 10, 10, 5। और माइनस टू ए, ए मैट्रिक्स को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, 8, 6, 0 माइनस 4 एंड 12। इसके बाद अभी इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा कैसे, 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 और माइनस 0 माइनस 10, 20 माइनस 8 ये हो जाएगा 12, 10 माइनस माइनस प्लस 4 14 और 25 माइनस 6 दोनों ही माइनस के 31, फिर 5 माइनस 12 माइनस 7 और ये हमारा आंसर आ गया है। इसको 3 को अंदर भेज सकते हैं आप, ये हो जाएगा हमारा माइनस टू माइनस 10 बाय 3, 4 14 बाय 3 माइनस 31 बाय 3 माइनस 7 बाय 3 इज द आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर जो टू है उसके अंदर देखिए इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 एंड x माइनस वाई, ये देखिए टेंथ क्लास की तरह सोच कर देखिए इस क्वेश्चन को, तो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट नंबर है उनकी जगह मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड इक्वेशन वन एंड टू, तो जब आप वन और टू को ऐड करते हैं ना तो क्या होता है कि वाई से वाई कैंसिल, देन वी गेट टू एक्स इज इक्वल टू, इसको भी ऐड कर रहे हैं 5380, ऐड मैंने करना सिखा दिया आपको पहले, 8 8, और अब यहां से जो x मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 0 4। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, तो 2 में हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5029 माइनस x मीन्स 4044। सोल्व करते आंसर आ जाएगा 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 0 एंड 9 माइनस 4 5। इसके बाद ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट करनी मैंने आपको सिखाई है, एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं, यदि किसी प्रकार की मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स में एनी प्रॉब्लम तो इसको आप अभी ध्यान से देखना और सीखना। सबसे पहले इसके अंदर वैसे मैट्रिक्स ए जो है वो है हमारी 1 माइनस 4 माइनस 2 एंड 2 और 3 एंड 5, और मैट्रिक्स बी जो है वो है 2 4 2 3 5 1। तो अब देखिए मैंने आपको मेथड बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए, इसका ऑर्डर हमारा जैसे 2 बाय 3 है, इसका ऑर्डर 3 बाय 2 है, तो देखिए किसी भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब की जा सकती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की n, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड की नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए, तो यानी कि 3-3 के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जो आंसर आएगा वो फर्स्ट का m और लास्ट वाली मैट्रिक्स का n के इक्वल आती है, 2 बाय 2 का आंसर आएगा हमारा। अब ट्राई करते हैं हम इसके अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 टू द 2 माइनस 8 प्लस 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके अंदर हो जाएगा 3
माइनस 10 प्लस 3, फिर फर्स्ट रो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10, फिर ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस 4, दे आर कैंसिल 10 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2, 3। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।